मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल। अभी मैं इस वक्त फिक्सू में हूँ। हम जम्मू से रात को लेट से निकले थे कि जम्मू से नहीं, मैं तो उधमपुर से आया था, कोई 5:30-6 बजे के करीब निकला था, लेकिन लेट होने की वजह से मैं यहाँ पे ठाठरी के ऊपर एक जगह फिक्सू वहाँ पे रुका हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए, कितनी खुश है। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी गुगली गुगली सी बच्ची भी है। क्या नाम है बोलो ना। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ फिक्सू से। ये फिक्सू का इलाका है। ये कौन सा इलाका ऊपर जो ऊपर इसका खानपुरा, ये जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये खानपुरा का इलाका है। आई होड इस पहाड़ से जो इसको खानपुर आई ना ना इसको चीरा चीरा बटारा नौटास चीरा बटारा नौटास दुमेरी आई ये वर्ड दुमेरी को ये ये दुमेरी का इलाका है। बहुत ही खूबसूरत अभी हम निकल ले यहाँ से। ये इसको हम गोन कहते हैं। ये मक्की का जो मक्की जब बनती है ना, उसके बाद सर्दियों में हम इसको जो है माल मवेशी उसके लिए रखते हैं एक जगह जमा करके, तो ताकि सर्दियों में माल मवेशी के काम आए। ये घास होता है उनका, मक्की का घास। अब ये यहाँ से रास्ते हैं पैदल चलने के लिए। देखो जी यहाँ पे क्या हाल है जी। वालेकुम सलाम, कहाँ से आ गए? क्या नाम है? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब साहब, ये क्या गाय के लिए है? मैंस के लिए। मैंस के लिए कितनी मैंस रखी थी? चार। चार रखी। खूबसूरत इलाका है, बहुत ही प्यारा इलाका है। पहाड़ पे बर्फ, ये कुछ पहाड़ से ये किश्तवाड़ वाला जो है। ये देखो खेत यहाँ के लहलाते हुए खेत। यहाँ पे सर साहब मोबाइल पे देख रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी के पास इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं कुछ वोटिंग के लिए। कुछ फिक्सू से अभी हम निकले, यह बलकार जी और यहाँ से निसार साहब हैं, आगे यहाँ अयूब साहब हैं, ये हमारे पीछे चाचा जी ने कहीं ठाठरी जाना है, कहते मुझे भी नीचे तक ले जाओ। ये फिक्सू का इलाका देखो कितना खूबसूरत इलाका है। अभी हमें जल्दी में है पा रहा हूँ, अभी जल्दी में अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मैं अपनी बन थोड़ा सी माया नहीं मानी, पहली बार आया हूँ इधर फिक्सू में। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अच्छी तरह से आपको फिक्सू का दौरा करा देता, पूरा फिक्सू दिखाता। यहाँ पे सुनने में आएगा ऊपर जो जगह बहुत प्लेन है, कितना बड़ा दरख्त है। यह है फिक्सू। चाय साहब तो क्या ना हो जलालुद्दीन उर्दू चुकरन नहीं नहीं इसमें वीडियो में उठा रहा हूँ ना, तो मैंने कहा तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर। प्रेमनगर के? अच्छा जी, आपकी एज क्या है? तो बड़ी है मेरी, 75 साल। कितना बदलाव आपके इसमें 75 साल में आपने यहाँ का देखा, फिक्सू का या आपने प्रेमनगर इलाके का? आपके टाइम जब आप जवानी में थे तब कैसा था, आप आज कैसा है? आज भी वैसा ही, उस वक्त भी वैसा ही था। एक ही जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तो हम तो बड़ी एज में हैं, तो इलाका एक ही जैसा है। इधर भी फिक्सू में भी रामनगर में भी महाराज साहब 47 कजन है मेरे। इधर से आप 47 में कितने साल के थे? 47 में मैं पैदा हुआ। अच्छा, 47 में पैदा हुए। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर जा रहे हैं? घर। यहाँ फिक्सू में किसी रिश्तेदार के आए थे? रिश्तेदार। अच्छा, चलो अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये जंगलवाड़ी और बन जंगलवाड़ी जंगलवाड़ी एरिया है मस्जिद। फिक्सू से उतर के, जंगलवाड़ से उतर के हम ये बिल्कुल हमारे चिनाब के अपोजिट है कि कहूँ। ये देखो नीचे कितना ज़बरदस्त चिनाब है। अल्लाह ना करे कुछ भी हो, ये नीचे ठाठरी जो है दिखाई दे रहा है, जो ठाठरी की छोटी सी सिटी है। ये पार वाला गांव है। हम अभी हम मेन रोड पे पहुंच गए, ये ठाठरी की ओर हम जा रहे हैं क्योंकि हमें पीछे आज प्लेस में जाना है। अभी हम जब फिक्सू को रात को गए थे तो वहाँ पर इस वक्त ठाठरी के बीच में, बाज़ार के बीच में से चल रहे हैं। अभी बाज़ार बंद ही है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बजे। अभी हम ठाठरी पुल पे, मेन पुल पे पहुँच गए। यहाँ से राइट साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे भलेसा के लिए जाती है रास्ता, और लेफ्ट साइड किश्तवाड़ के लिए जाता है रास्ता। यहाँ पे गेट बना हुआ है भलेस के लिए। अब हम पहुँच गए प्लेस के रास्ते की ओर। तो अब बीच में से दरिया चल रहा है, दोनों साइड से पहाड़ हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है यहाँ पे पहाड़ दोनों साइड के, और बीच में से आप देख रहे होंगे ये दरिया। तो और बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। ये अयूब साहब हैं, अयूब मीर साहब, इनकी भी कुछ सेहत ठीक नहीं है लगता है, कुछ रात को गड़बड़ इनके पेट में था तो, लेकिन अल्लाह ने रहम कर दिया, अब इस वक्त ठीक है। तो ये भी हमारे साथ चल रहा है, बहुत ही, ये निसार साहब हैं हमारे अंकल, मेरे अंकल हमारे नहीं है, मेरे अंकल हैं इन। ये है पार, ये कुछ बना रहे थे, अब पता नहीं क्या बना रहे थे। यहाँ से ये हम दुनदी अब पहुँच गए। यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं और दो नदियाँ मिलके इसको दुनदी नाम रखा गया है। ये वाली नदी हमारे गुंदो से आती है और जो इस साइड आपने देखी थी वो बांजवा साइड से आती है। अब हम यहाँ पुल पे पहुँच गए। यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड बांजवा के लिए रास्ता जाता है और राइट साइड हमारे गुंदो की तरफ। अब हम गुंदो की ओर जा रहे हैं, बारिश भी पड़ रही है, मौसम भी बड़ा सुहाना। ये है दुनदी का छोटा सा बाज़ार, ये है बांजो वाला दरिया जो मैंने अभी दिखाया था। यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और इसका नाम दुनदी रखे। अब हम काहरा पहुँचने वाले हैं। ये अब हम काहरा के बाज़ार के बीच में से, अभी सुबह सुबह दुकानें खुली नहीं हैं, मुझे इस वक्त कोई 9 बजे हुए हैं। अभी हम पहुंच गए, अब ये भटियास पहुंच गए। यहाँ पे भी अभी बाज़ार बंद ही है। अब हम इस वक्त पहुंच गए मलकपुरा में। यहाँ पे लेफ़्ट साइड चिल्ली के लिए रास्ता जाता है और ये पुल क्रॉस करके हमने राइट साइड निकलना है, वो हम गुंदों की ओर। ये चिल्ली का रास्ता है और हम गुंदों के रास्ते में चल रहे हैं। अभी ये देखो ठकराई, बादल भी बड़े छाए हुए हैं आसमान पे, काले बादल तो होंगे क्योंकि बारिश तो पड़ रही थोड़ी। ये है गुंदो जो हेड क्वार्टर है भलेसा का, गुंदो, ये जो अभी देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे गुंदो के इलाका। अभी हम, ये हमारा गाड़ी इन पहाड़ों को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम सब। और ये देखो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारा भलेसा जहाँ के हम रहने वाले, ये है वो इलाका जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इलाका है यहाँ के हम रहने वाले हैं। आखिरकार हम अपने इलाके में पहुँच ही गए। ये हम ग्वाड़ी बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं।
यहाँ पे भी थोड़ी बहुत, ये जामा मस्जिद है यहाँ पे मरचंगा की। ये अब हम तवाई का जो है बाज़ार है वो दिखाई दे रहा है आपको। ये तवाई वाला पुल हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। अभी तवाई का पुल क्रॉस करते ही हम पहुँच गए अभी सोती में, नीचे सोती। यहाँ पे पहुँच गए सोती में। अभी हमने यहाँ पे कुछ देर रुकना है। ये पार डुडवाड़ है। रुकने के बाद आज फ्राइडे है तो फ्राइडे नमाज़ पढ़ के फिर अपने घर चले जाएंगे। ये यहाँ से नीचे सोती से हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे दरिया देखो, ये बंद लगा हुआ है। ये है नीचे सोती में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पहाड़ पे धुंध इतना अच्छा लग रहा है, इस वजह से बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है। बारिश रुकने के बाद ऐसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये देख रहे हैं आप। अभी हम यहाँ से निकलने के बाद पहले नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऊपर अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे हम रुके हुए हैं किसी के घर में, ताकि उसके बाद वहाँ से मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आपको ये इलाका दिखा रहा हूँ। अब हम निकलते हैं जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए। अब चल रहे हैं यहाँ से, पैदल ही चल रहे हैं। हमने सोचा कि गाड़ी छोड़ देते हैं यहाँ पर ही, थोड़ा सा लोगों से मुलाकात भी कर लेते हैं। ये निसार साहब थे, शादीन साहब थे और अयूब मीर साहब थे, और भी कुछ हमारे साथ लोग चल रहे हैं। हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए कनौ में। कनौ में नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे कनौ में जामा मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पे ये लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने यहाँ पे आ रहे हैं सारे। इनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, इनसे हम मिल रहे हैं यहाँ से। अभी हम थोड़ा पीछे गोयलबाड़ में गए, यहाँ पे सबसे बड़ा है ये, देखो कितना ऊंचाई से पानी गिर रहा है ऊपर से। मैं यहाँ पे उतरा था, थोड़ा सा इसका फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा था, वीडियोस ले रहा था ये गाड़ी से। ये हमारे गुड्डू मीर साहब, शादीन मीर साहब, मामा जी जो मेरे छोटे मामा जी हैं। अब हम भी गाड़ी में बैठेंगे। अब पहुंच गए हम ऊपर। ये जावेद मीर साहब चल रहे हैं आगे की ओर, निसार साहब हैं पीछे और बाकी लोग हैं। ये है मेरा घर जो पार दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।